गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. लास्ट टाइम हमने एक ऐसे किया था, ऐसे नंबर 1 सारा अक्सर. अब हमारा सेकेंड ऐसे है मीठी वाणी साची मित्रता. मीठी वाणी, वाणी यानी कि बोल, शब्द, हम कैसे बात करते हैं वो. तो उसके लिए कि कई बार जो है हम लोग कुछ भी बोलते हैं, एट ए टाइम हम सोचते नहीं हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं किसी को, क्या हमारी बातों से किसी को हर्ट हो सकता है, या कई ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं. तो हमारी बोलने का जो तरीका है वो हमेशा मीठा होना चाहिए, और वही हमारी साची मित्रता यानी कि अच्छी बात है, अच्छा फ्रेंड बन सकता है. इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ कहने के लिए ये पूरा ऐसे तैयार किया गया है कि हम कह, ऐसे गुजराती में कहावत है कि बोले एना बोर वेचाय, अने उससे ऑपोजिट है न बोलिया मां नव गुण. तो ये दोनों वैसे वर्षा है जो प्रोवर्ब, पर ये प्रोवर्ब जो है वो दोनों तरह से सही है, क्योंकि अगर हम ज़रूरत ना हो ऐसी जगह पर अगर बोलने जाएंगे तो वो वैल्यू करेगा नहीं. इसीलिए उस समय हमें कौन सी प्रोवर्ब को याद रखना है, न बोलिया मां नव गुण, यानी कि न बोलने में ही अच्छा है. और जहाँ पर हमारे बोलने की ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि बोले एना बोर वेचाय, यानी कि जो बोलता है वही कुछ पाता है. तो यहाँ पर हमारी बोली कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर ये पूरा ऐसे है. तो सबसे पहले है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय. ये एक संस्कृत श्लोक है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय. इसका मतलब ये है कि हम जो है सबको प्रिय यानी पसंद हो एवं सत्य बोलूं, यानी कि अपने प्रिय हो एवं सत्य बोलूं, जो सबको अच्छा लगे ऐसा सत्य बोलना चाहिए. पर अगर किसी को बुरा लगता है तो चाहे वो सच हो तो भी उसे बोलना चाहिए नहीं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है. पर ये सच बोलने से अगर किसी की लाइफ में कुछ डिस्टर्ब आता है तो उसे हमें बोलना चाहिए नहीं, ऐसा कहा गया है. तो ये चीज़ क्या मायने रखती है हमारे जीवन के लिए, तो अपने जीवन में तंदुरुस्त राखवा माटे जेम तन अने मन बनने ने स्वस्थ राखी छे कि हमारी लाइफ हेल्दी लाइफ हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तन यानी शरीर और मन यानी माइंड, ये दोनों को हेल्दी रखना चाहिए, तभी जाके हम खुश रहेंगे और हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी. तेवी ज रीते शरीर ने शुद्ध राखवा माटे, वाणी अने मन ने शुद्ध राखवा माटे मीठी वाणी जरूरी छे. ये जो चीज़ें हैं तन और मन वो हमारी बॉडी को एकदम प्यूरिफाई करता है. तो इसी तरह से अगर हमारे शरीर के साथ साथ वाणी यानी कि बोली और मन को शुद्ध रखने के लिए हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए, मीठी बोली. मीठी बोली का ये मतलब नहीं होता है कि हम किसी को और ज़्यादा पॉलिश करें, बटरिंग करें जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं, पर ऐसा बोलना चाहिए कि जिससे किसी को हर्ट ना हो. तो उसके लिए मीठी वाणी बहुत जरूरी है. पोलाइट जिसको हम बोलते हैं ना, पोलाइटली बोलना चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो अपनी बोली से, अपनी मीठी जबान से अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, वो सभी का प्रेम पा सकता है. अगर हम अपनी बोली से एक अपनी इमेज जो है वो हमेशा अलग अलग जगह पर अलग अलग इमेज बना सकते हैं, और जो वो रिस्पेक्ट है वो हमें रिस्पेक्ट भी मिलता है. सेकंड पैराग्राफ के अंदर है मनुष्य मीठी वाणी थी पोताना परिवार मित्रों
पड़ोसी वगैरेनो प्रेम जीती सके छे। पोतानी वाणी थी ते दरेक जग्याए अलग अलग स्थान प्राप्त करे छे, यानी कि एक अलग ही इमेज और अलग ही रिस्पेक्ट बनती है। आंतरराष्ट्रीय संबंधों में पण नेताओना बोलायला शब्द महत्वनो भाग भजवे छे। अगर हम जो पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो कहीं पर भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो जहाँ पर भी वो अपनी स्पीच देते हैं तो वो स्पीच में चाहे वो देश के लिए हो या इंटरनेशनल हो, कहाँ पर वो क्या बोलते हैं वो उसके ऊपर पूरे दुनिया की नज़र होती है। इसलिए ये बात पे बहुत उनको ध्यान रखना पड़ता है और ये महत्वनो भाग बजे छे, यानी कि जो हमारे दूसरे देशों के प्रति जो टर्म्स हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बनाते हैं। एटले ज कहेवू छे के वाणी अने पाणी ए बन्ने विचारीने वापरवू जोईए, कि जिस तरह से पानी का मोल हम नहीं कर सकते उसकी क्या वैल्यू है वो अगर हम समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। इसी तरह से वाणी यानी कि हमारी बोली, हमारा बोलने का तरीका जो है उसको भी हमें विचारीने यानी सोच समझकर उसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बार बोली गई चीज़ जो है उसे हम कभी भी वापस ले सकते नहीं हैं। इसीलिए हमने अकबर बीरबल की स्टोरी भी शायद आपको याद होगी कि उसमें भी कहा गया था कि एक बार जो हो गया कि पौंड के अंदर सभी को दूध डालने के लिए कहा गया था और सब ने यही सोचा कि मैंने पानी डाला तो कौन देखेगा, और इसी तरह से दूसरे दिन जब पौंड जो है वो पानी से भरा हुआ था न कि दूध से, ये जो बात है वो अकबर बादशाह को बहुत बुरी लगी और दूसरे दिन सब गांव वालों ने माफ़ी मांगी और कहा कि आज हम उसे भर देंगे। तब बादशाह ने क्या कहा कि बूंद से गुजरी वो जो है इसे सदर नहीं सकती है, कि बूंद से गुजरी यानी वो दूध से नहीं सदर सकती है, यानी कि आज आप चाहे कितना भी कर लो पूरा पौंड दूध से भर दो पर जो आपकी मेंटेलिटी थी जो आपकी सोच थी उसको आप मेरे दिमाग के अंदर जो एक इम्पैक्ट बनाया है उसे आप कभी भी सुधार सकते नहीं हैं। तो इसी तरह से वाणी अने पाणी बन्ने साचवीने अने समझीने वापरवा जरूरी छे अने एना माटे आपणे मीठी वाणी जरूरी छे। एटले ज कहेवाय छे के जेणे जीभ जीती तेणे जग जीत्यू, यानी कि जिसने अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल कर लिया उसने अपना पूरा जग यानी कि संसार को जीत लिया है। कहीं पर भी वो बहुत ही रिस्पेक्ट पा सकते हैं कि अरे वाह वो कितना अच्छी तरह से बात करते हैं, कितना पोलाइट हैं, ये सब आदर सम्मान उसी से मिलता है। तीसरा पैराग्राफ है कि ये बोली हमारे जीवन में क्या असर करती है, तो माणस पोताना जीवन ने स्वर्ग के नर्क जीभथी ज बनावे छे। अगर हमारी जीभ सही है यानी कि हमारा बोलने का तरीका सही है तो वही जीभ को हम स्वर्ग भी बना सकते हैं और नहीं तो उसे नर्क भी बना सकते हैं, वो पूरा हमारे हाथों में है। जैसे इतिहास के अंदर है कि आंधड़ानो पुत्र आंधड़ो, ऐसा कहावत जो है वो किसने कही थी, द्रौपदी ने महाभारत के अंदर आंधड़ानो पुत्र आंधड़ो एवं द्रौपदी ये कहूं हतु, और उसी से क्या हुआ दो कौरव और पांडवों के बीच में बहस हुई और जो है बदले की भावना आई और इसी कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। द्रौपदी ने सिर्फ अपनी बात कही थी एक लाइन में ही पर उससे महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध जो 18 दिन तक चला था और उसमें न जाने कितने लोगों की जान गई थी, जिसको आज भी हम इतिहास में याद करते हैं कि महाभारत का युद्ध, कहा गया था सिर्फ एक वाक्य कि आंधड़ानो पुत्र आंधड़ो, ऐसा कहने से ही महाभारत का युद्ध हुआ था। आम व्यक्ति ने ओढ़क
तेनी वाणी थी थाय छे। कोई भी इंसान की पहचान जो है वो हम उसकी बोली से ही कर सकते हैं। और इसीलिए वाणी थी थाय छे, जेम के कागड़ा अने कोयल बन्ने नो रंग एक सरखो छे, दोनों एक तरह के ही दिखते हैं, परंतु एनी ओळख सेनाथी थाय छे, तेनी वाणी थी थाय छे। आम वाणी ने योग्य रीते वापरवी जोईए। कोयल और कौवा, कुकू जो है और कौवा है, उसकी दोनों की सिमिलैरिटी बहुत है, पर फर्क क्या है? बोलने का तरीका। कोयल बोलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, जबकि कौवा बोलता है तो किसी को पसंद आता नहीं है। तो आम वाणी ने योग्य रीते वापरवी जोईए, जेथी आपणे बधाना प्रिय बनीए। कि अगर हम अपनी बोली सुधारेंगे तो हम सबके चहेते बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जीवन में हमारी जो बोलने का तरीका, हमारी वाणी बोली जो है, हमारे जो शब्द हैं, वो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कितना मायने रखते हैं, वो इसी से हमें पता चलता है। तो ये जो है, इसके साथ मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी, और ये ऐसे आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, और बहुत ही जल्दी 3rd unit टेस्ट आने वाली है, उसमें आपको लर्न भी करना है, तो अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेना। टिल देन, बाय।